बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चाय पिंक टी। तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बनाने वाले हैं इस रेसिपी को फॉलो करके। जैसे कश्मीरी चाय आप शादियों में पीते हैं ना, या जो बाहर जाकर आप पीते हैं ना, बिल्कुल वैसे, बल्कि उससे अच्छा टेस्ट इसका आपको लगने वाला है। तो चलिए रेसिपी की तरफ। पर जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए फॉर मोर रेसिपीज। दो ग्लास भर के मैंने पानी डाला है पैन में, देन 4 टीस्पून मैं इसमें डाली हूँ कश्मीरी चाय पिंक टी या सब्ज चाय। बहुत ही इजीली पंसारी की शॉप में मिल जाती है, और अब तो पैकेट्स में भी अवेलेबल है कश्मीरी चाय के नाम से। ऑलमोस्ट 14-15 कप इससे बन जाएंगे। दैन 4 से 5 मैं इलायची इसमें हल्का सा कट लगाकर वो इसमें डाल रही हूँ। दैन 2 बादियान के फूल मैं इसमें डाल रही हूँ, 4 लौंगे हैं, और जायफल जावित्री का पाउडर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। आप जायफल जावित्री का पीस भी आप इसमें ले सकते हैं। बस सारी चीज़ें डल जाएंगी इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे, और इसको बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। इतना इसको पकाएंगे कि जितना पानी हमने इसमें डाला है ना, उसका हाफ रह जाए। ये इस चाय में बस यही होता है, आप इसको पकाना होता है, बहुत ज़्यादा इसको चलाते रहना होता है। जितना अच्छे से आप इसको फेंटते हैं ना, उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अच्छा, ये कहवा मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, अगर आपको 3 से 4 लोगों के लिए बनाना है तो इस हिसाब से आप क्वान्टिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। इस पॉइंट पर जब इसमें बॉयल आ चुका है, तो 1 पिंच मैं इसमें डाली हूँ बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून इसमें डाली हूँ सॉल्ट। बेकिंग सोडा आपने 1 पिंच ही डालने से ज़्यादा नहीं डालेगा, उन्हें टेस्ट ख़राब हो जाता है। दैन अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाना है कि जितना पानी हमने डाला है उसका हाफ ये रह जाए। तो बस इसी पॉइंट पे हम इसमें डाल लेंगे ठंडा पानी। पानी मैंने सादा यूज़ किया था, तो इसमें मैंने क्यूब ज़्यादा डाल दिए हैं। ठंडा पानी डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है ना। बस फिर 5 मिनट तक हम इसको और पका लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको छान लेंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे किसी भी बॉटल में भर के इसको सेव कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक आराम से चल जाता है। जितनी चाय आपने बनानी है उतना आपने दूध में डाल लेना है, बाकी दोबारा आपने फ्रिज में रख देना है। तो आपके घर में कोई भी दावत हो ना, तो आपने ऐसे ही करना है, बहुत ईजी हो जाता है। चाय बनाने के लिए मैंने दूध लिया है, जितना भी दूध आपने लेना है, मैं 3 कप के लिए बना रही हूँ तो मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। चीनी डालनी है आपने 2 टेस्ट, या जितनी आपको ज़रूरत है उतनी। वैसे ये चाय ना थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है। दैन मैं 3 कप के हिसाब से इसमें कहवा डाल दूंगी। 2.5 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने दूध लिया है, 1/2 कप के करीब कहवा डाला है इसमें मैंने। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। अगर इस तरह का कलर होगा ना, इट मीन्स कि दूध में कहवा हमने बिल्कुल सही मकदार में डाला है। थोड़े से मेवे चले जाएंगे इसमें। अच्छा, पिस्ता और बादाम जाते, मेरे पास बादाम थे तो मैंने बादाम डाले हैं थोड़े से। अगेन मिक्स इट वेल। और वैसे आपने टेस्ट करके भी देख लीजिए, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि कहवा कितना डालना चाहिए इसमें और चीनी कितनी डालनी चाहिए। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फिर इसको टेस्ट करके देख लें। अच्छा, कश्मीरी चाय में ना यही कलर आता है, ऐसा नहीं है कि सोडा डालने से बहुत ज़्यादा पिंक हो जाएगा, और यही कलर परफेक्ट भी होता है। मुझे पर्सनली यही कलर पसंद है। अगर आपको ज़्यादा पिंक कलर चाहिए तो आपको ये फूड कलर डालना होगा इसमें। तो ये पिंक फूड कलर है जो कि केक के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ईजीली मिल जाता है। 1 से 2 ड्रॉप आपने इसमें डाल लेना है। तो अगर आपको ये वाला पिंक कलर चाहिए, और या फिर आपने बाज़ार की चाय देखा होगा किस तरह की पिंक होती है, तो वो सिर्फ कलर से होता है, ऐसा नहीं है कि सोडा डालने से पिंक हो जाती है। 1 से 2 मिनट तक इसको और कुक कर लेंगे लो फ्लेम पर। दैन इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे और सर्दियों को एंजॉय करेंगे। तो है ना कितनी आसान वाली रेसिपी। थोड़े से बादाम मैं ऊपर से और इसमें डाल दूंगी। अच्छा, इसके लिए दूध ना मैंने बॉयल ही यूज़ किया था। बॉयल करने के बाद जो मलाई ऊपर आ गई थी वो मैंने अलग निकाल ली थी। थोड़ी सी इसमें मलाई डाल देंगे, इसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो है ना कितनी ईजी वाली रेसिपी। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वाली रेसिपी। और अगर घर में कोई पार्टी हो या दावत हो तो गैस को भी सर्व करिएगा, खुश हो जाएंगे वो आपसे। तो इसे बनाइए, इसे एंजॉय कीजिए, अपने विंटर्स को एंजॉय कीजिए। जल्दी से बना लीजिए इससे पहले कि विंटर्स चली जाए, क्योंकि विंटर्स बहुत कम टाइम के लिए आती हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी विंटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।